पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए नई चाल चल दी है। उनके करीबी और पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान 3 या 4 अप्रैल को हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव से इमरान खान को फायदा हुआ है और उनकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है। उधर इमरान खान ने दावा किया है कि उनके ट्रंप कार्ड का पाकिस्तानी सेना से कोई संबंध नहीं है। शेख रशीद ने कहा कि उन्होंने इमरान खान को चुनाव समय से पहले कराने की सलाह दी है। बता दें कि इमरान सरकार अविश्वास प्रस्ताव को लंबा खींचने की तैयारी कर रही थी, लेकिन विपक्ष ने ज्यादा इंतजार नहीं करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। इस बीच इमरान खान प्रयास कर रहे हैं कि उनके बागी सांसद मान जाएं और सहयोगियों को भी फिर से अपने पाले में ले आएं। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम बची है।